welcome. पहले मैं यूएसए से यहाँ शिफ्ट हुआ और मैंने देखा इंडिया में क्या क्या ज़रूरी है काम की और मैंने सोचा कि यहाँ गोवा में कचरा बहुत है और सिर्फ पूरा लैंडफिल में जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम कचरा से और क्या क्या कोई प्रोडक्टिव यूज क्या क्या हो सकता है कि नहीं। तो मैंने ये पार्टनरशिप की है गोवा वर्क्स गोवा फाउंडेशन से, जो यहाँ का कचरा कलेक्ट करते हैं और एक जगह इकट्ठा करते और सेग्रीगेट करते। तुमच्या भाजी मार्केटचा सगळा माल भाजीपाला आहे तो आमच्याकडे इथे येतो, तिथून उचलून आम्ही या मशीनला टाकतो आणि इथून मग केशरला जातो। केशरमध्ये पाणी आणि स्लरी मिक्स करून त्याचं बारीक मिक्सरसारखं होऊन पुढच्या टाकीत पडतं ते सगळं, आणि पुन्हा मच्छी पण येते, मच्छी पण तशीच टाकतो, जी गॅसला लागते ती गॅसला टाकतो, इकडं बारीक होऊन छान त्याची पण पेस्ट तयार होते आणि ती पलीकडल्या टाकीत पडते। त्याच्यामध्ये एक मशीन मोटर बसवलेली आहे, त्या मोटरमधनं पाण्यातली मोटर बसवली आहे, त्या पाण्यातनं मग ते मोठ्या टाकीत जातं आणि त्याच्यामध्ये मग ते गॅस होतं, गॅस होऊन गॅस जेव्हा होतो तेव्हा स्लरी बाहेर पडते, ती पलीकडच्या टाकीमध्ये स्लरी पडते आणि गॅस मग बुलूनमध्ये आम्ही भरून ठेवतो। आता तुम्ही म्हटलं की जी मच्छी गॅससाठी वापरतात ती तुम्ही इकडे टाकतो, म्हणजे कुठली कुठली मच्छी गॅससाठी वापरतात आणि कुठली मच्छी असं काही वेगळं कसं काय कळतं तुम्हाला? मच्छीच्या पोटाली जी घाण असते ती आम्ही इकडे टाकतो आणि मुंडी शेपट्या जे वगैरे असतात चमडी पिंबडी त्याचं आम्ही खतामध्ये त्याचं खतामध्ये मिक्स करून त्याचं खत करतो, कंपोस्ट खत। यहाँ 600-800 किलो भाजीपाला आता है और 400 से 600 किलो का मच्छी का वेस्ट आता है और कभी कभी 500-600 किलो चिकन का वेस्ट आता है। हम एक गोबर गैस का प्लांट बनाएंगे और कंपोस्टिंग यूनिट बनाएंगे और ये गैस हम रेस्टोरेंट को बेचेंगे और खत हम किसानों को बेचेंगे। मच्छी का खत है वो बहुत हाई क्वालिटी खत है और उसमें सब न्यूट्रिशन है जो भाजी पालक बनाने के लिए चाहिए। ये हम अगर आपको छोटा क्वांटिटी चाहिए तो 10-12 रुपया किलो में जाता है। एक आदमी सांगली से आया था और वो 10,000 किलो लेके गया, उसको ज़रा 5-6 रुपया में मिला, क्योंकि महीने में यहाँ 12-15 हज़ार किलो बनता है। और जो कंपनी का जो खाद आता है और जो आप यहाँ बनाते हैं उस दोनों में डिफरेंस क्या? कंपनी का खाद केमिकल का भी होता है और नेचुरल भी होता है। इसमें जो फ़ायदा है कि ये क्लोज लूप है, हाँ, जो हम दरिया में डालते हैं वो हम वापस लाते हैं, उसका क्लोज लूप नहीं है। और ये क्या है, जब जाड़ को काटते हैं वही हम जाड़ को उसका सॉमिल से हम वो जाड़ वापस लाते हैं और मच्छी के साथ मिक्स करते हैं, तो ये सॉमिल का सॉडस्ट है वो सब मच्छी का जो न्यूट्रिशन है वो खींचता है और स्टोर करता है। मच्छी का पानी जमीन पे नहीं जाता है, सब ये खींच लेता है यह भूसा। ये भूसा और ये मच्छी का मिक्स है, अगर भूसा बहुत कम डाला तो मच्छी इसमें ज़्यादा होते हैं खत में, लेकिन एरिया में बास मारता है। ये खत में भूसा ज़्यादा डाला तो बास नहीं मारता है, लेकिन खत का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है मच्छी और जब भूसा मिक्स होता है तो एक जलता है, एकदम गर्म होता है। तो अगर हमने खत में सही अमाउंट का मिक्सचर डाला तो पूरा भूसा जलेगा और बहुत अच्छा खत होता है, और खत भी ऐसा ही हम बनाते थे पहले। इसमें ऐसा टेक्नोलॉजी है कि फॉरेन से कुछ नहीं लाया है, सब मेड इन इंडिया है। हाँ, जो भी मैंने ख़रीदा है वो यहाँ से ही ख़रीदा है, लोकली ख़रीदा है। हमारे पास ऐसे कोई मशीन नहीं है जो फ्रांस से आए, यूरोप से आए। हाँ, ये क्या है, ये लोग जो
ऐसा प्लांट बनाते हैं, वो सब मशीन फॉरेन से लाते हैं और हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ फॉरेनों को फ़ायदा होता है, जो प्रॉफिट मिलता है। हमने ऐसा प्लांट बनाया जो फ़ायदा हमको होता है।